हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अब से जो हमारा 2 से लेकर 3 महीने का टाइम पीरियड है उसके अंदर हम किस तरीके से काम करने वाले हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी मेहनत आप लोग अपनी स्टडीज़ में करते हैं उतनी मेहनत हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। हमने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर एनालाइज किए हुए हैं और उस एनालिसिस के बेसिस पर जो भी सारे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं और जो भी मतलब एरियाज कवर होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उन सारे टॉपिक्स की आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी। 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स पिकअप किए जाएंगे और हर टॉपिक की थ्योरी पढ़ाई जाएगी। तो जो टाइम आप मटेरियल ढूंढने में लगाते हैं, नोट्स बनाने में लगाते हैं, हमने उस काम को रिड्यूस कर दिया है। हमारे पास प्रॉपर नोट्स हैं, वो हम आपको क्लासरूम में प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम एक टॉपिक पिक करके उसे किस तरीके से पढ़ाएंगे और हमारा जो फोकस रहेगा वो स्पेशली DU और BHU के लिए रहेगा, क्योंकि अगर आप इन 2 एंट्रेंसेस के लिए पढ़ लेते हो तो बाकी आप फिर कोई सा भी MSc एंट्रेंस देने के लिए तैयार हो। वो आप इनका सिलेबस देख के ही समझ जाओगे कि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो सफिशियंट होगा। तो जो हमारा टॉपिक को पढ़ने का तरीका होगा मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले हम उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी बहुत ही प्रिसाइज थ्योरी होगी और रिलेवेंट थ्योरी होगी, और मतलब आपको थ्योरी के अंदर इतना बता दिया जाएगा कि वो AIR 1 लाने के लिए सफिशियंट होगा और बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया जाएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आए। और फ्रेंड्स, AIR 1 के लिए हमने रिवार्ड भी रखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में से कोई स्टूडेंट AIR 1 लेके आए। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा फ्रेंड्स वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और कल से आपको एक प्रॉपर वे में वीडियोस मिलती हुई जाएंगी और जो हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप होगा उसके अंदर भी आपको जल्द ही ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ मतलब हर वीक का शेड्यूल होगा और एक मतलब प्रॉपर वे में कल से काम होने वाला है। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम पिक करेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन पिक करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों पढ़ाई जाएंगी। तो पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, इसमें 150 के आसपास क्वेश्चन हैं, तो वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो जो सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम आपको कन्वेंशनल तरीका तो बताएंगे ही और उसके अलावा एग्जाम में उस क्वेश्चन को कैसे करना है वो तरीका भी आपको यहां बताया जाएगा। और किसी ने अगर ये 150 क्वेश्चंस कर लिए और इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी कर लिए थोड़े बहुत, तो मतलब जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास रहने वाले हैं, और एमएससी एंट्रेंसेस में तो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट भी होते हैं, तो हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से रिपीट हो जाएं। तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स आपका। तो अब मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो टॉपिक है उसको मैंने किस तरीके से क्लासीफाई किया है वो आपको समझाता हूँ, और फिर कल से हम प्रॉपर वे में डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 बाय 1 टॉपिक पिक करेंगे। तो जो मेरा सबसे पहला टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और ये मतलब बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल चैप्टर है। हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, सभी लोग ओडी की शुरुआत यहीं से करते हैं। उसके बाद हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये सबसे इजी टॉपिक है फ्रेंड्स। इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ाई जाएंगी। तो ये मतलब अगर किसी का ये टॉपिक अच्छा है तो मतलब इसी से रिलेटेड ही है ये टॉपिक। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस और इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, तो ये वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद हम आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स बढ़ाएंगे। ये वाला जो मेथड है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के काम आता है। और उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी।
उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो रॉन्स्की एंड एबल्स फॉर्मूला, पिकार्ड थ्योरम और एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस, और ये आपको सिलेबस बिल्कुल एक प्रॉपर वे में पढ़ाया जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि सर हमारा इतना बड़ा सिलेबस था। आपको इस तरीके से नोट्स बनवाए जाएंगे कि आपका मतलब 7 से लेकर 8 पेज के अंदर पूरी थ्योरी फिनिश हो जाएगी और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में होंगे, क्योंकि जो हमने एग्जाम्पल्स पिक किए हैं वो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है और लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके हमने हमारे जो नोट्स हैं उनके अंदर एग्जाम्पल्स डाले हुए हैं। और जो हमारा सेकेंड पार्ट है थ्योरी के बाद, जो हम अबाउट 150 क्वेश्चंस हैं हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो मतलब अगर इतना सब कुछ कोई करके जाता है तो उसको मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से एमएससी एंट्रेंस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर सकता है। तो अब उसके बाद ये जो टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा लेक्चर 1 है। उसके बाद जो लेक्चर 2 होगा उसके अंदर आपको रॉन्स्कियन से शुरू किया जाएगा, और ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, और फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंगुलर सॉल्यूशन, ये भी मतलब बीएचयू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, और लेक्चर नंबर 3 में जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी। तो जो बाकी चीज़ें हैं उनके अंदर ग्रीन्स फंक्शन और स्टर्म लायोविल प्रॉब्लम आती है, यहाँ से मतलब क्वेश्चन आते रहे हैं और इस बार भी मतलब क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जस्ट आपको आइडिया दिया जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे अभी तक तो क्वेश्चंस लगभग इतने आए नहीं हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको पढ़ाया सब जाएगा फ्रेंड्स थ्योरी में। ऐसा नहीं है कि केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दिए, आपको पढ़ाया सब जाएगा और उस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप जल्दी से चीज़ों को कैच करो, कि आपको जितना रिक्वायर्ड है एमएससी एंट्रेंस के लिए उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि आपको इतना हम बता देंगे कि सफिशियंट होगा वो, उससे बाहर मतलब कुछ नहीं करना आपको। और सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद स्पेशल फंक्शंस, जिसमें आपको लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल, चेबीशेव पॉलिनोमियल और हाइपरजोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये मतलब अगर किसी ने ओडी इतना कर लिया तो मतलब बीएचयू डीयू का कहीं भी उसको बिल्कुल प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जैसे जो स्पेशल फोकस वाले टॉपिक्स हैं, जैसे डीयू वालों का फेवरेट टॉपिक है स्टर्म लायोविल प्रॉब्लम, तो जब ये टॉपिक चलेगा तो आपको ये भी बताया जाएगा कि ये मतलब डीयू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जैसे फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री ये बीएचयू के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मतलब वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और उसके बाद जैसे ही हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कम्प्लीट होगा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रेंड्स वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो अब मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्लासिफाई करके बताता हूं। फ्रेंड्स अब आप देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कई जगह बीएससी में पढ़ाया जाता है और कई जगह नहीं पढ़ाया जाता, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा और आप एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने का तरीका अलग है और इसके अंदर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करने का तरीका वो अलग है। आप 2 मिनट के क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हो वो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको सिखाएंगे। तो इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो है, सबसे पहले आपको फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप लिखो लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब लीनियर और नॉन लीनियर के अंदर भी जो हमारे इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं वो 2 इम्पॉर्टेंट हैं, लैग्रेंजेस एंड चारपिट मेथड, लैग्रेंजेस और चारपिट। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते रहे हैं। उसके बाद आपको होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स।
उसके बाद आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बताया जाएगा, उसके दो या तीन फॉर्मूले हैं, बस वहीं से क्वेश्चन आते रहे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद एक मेथड होता है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, वो आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल के बाद हीट एंड वेव इक्वेशन का भी आइडिया दे दिया जाएगा, हीट एंड वेव इक्वेशन। तो फ्रेंड्स ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने का तरीका होगा। इसको मैंने सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है और आपको बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि हमने इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए और हर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।